गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, जो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स का, कोडोमिनेंस का और मल्टीपल एलिलिज्म का। इन तीनों को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम ब्लड ग्रुप्स के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फोर ब्लड ग्रुप इन टोटल ह्यूमैनिटी, जितने भी ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है उनमें कोई चार ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, लाइक ए बी ए बी एंड ओ। चार ब्लड ग्रुप है टोटल, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस कोट ऑफ आरबीसी। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है बेटा? किसी भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर मिलने वाले एक ग्लाइकोलिपिड से ये डिस्क्राइब होता है, और उन ग्लाइकोलिपिड्स को हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, ये ग्लूकोज और लिपिड की फॉर्मेशन से बनते हैं, इनको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी कैपिटल लेटर में इनको लिखा जाता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ग्लूकोज और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। किसी भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए जो जीन होता है, दैट इज जीन आई, इसका सिंबल क्या है? जीन आई है, और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। और किसी भी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर आई जीन जो होगा वो ब्लड को डिसाइड करेगा, और जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, जो जीन है वो क्या करेगा मल्टीपल एलिलिज्म की वजह से जीनोटाइप बनाएगा। यहाँ पे 6 जीनोटाइप मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4। जीनोटाइप कितने हैं? 6। और एलील कितने हैं? 3। ये वर्ड ध्यान रखने वाली चीजें हैं बेटा, एलील 3 एलील है, इन्हीं की वजह से ब्लड ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप होते हैं, और ये एंटीजन के बारे में बता ही चुके हैं। ठीक है, अब इसमें से एक चीज ध्यान रखना, 3 एलील में से कौन कौन से हैं? 3 एलील ए बी ओ, कौन कौन से हैं 3 एलील? ए बी और ओ, इनमें से कोई दो ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइम पे मिल सकते हैं, सारे मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब हम एक टेबल मैंने यहाँ बनाई हुई है, आप इसको देखिए जरा। ब्लड ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, जीनोटाइप, एंटीजन कैसे मिलेंगी, एंटीबॉडीज कैसे मिलेगी, इसके बारे में हमने यहाँ बताया हुआ है। लाइक ब्लड ग्रुप ए में का जीनोटाइप दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, IAA, इसका मतलब क्या कि दोनों ही एलील सेम, IA और IO यानी कि एक एलील ए का और दूसरा ओ का। इस तरीके से ये बी ग्रुप, ये AB, ए और बी किसका एग्जांपल हमने बताया हुआ है आपको, कोडोमिनेंस का, इसलिए इसका एक ही फॉर्मेशन बनेगा एज ए ब्लड ग्रुप ओ के लिए है। एंटीजन की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए मिलेगा, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी मिलेगा, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी मिलेगा, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सभी का खून ले सकता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको खून दे सकता है, इस सभी को अपना ब्लड दे सकता है। एंटीबॉडीज की बात करें, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, और ओ में ए और बी मिलती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इतनी सारी बातों के बीच में ये तीन बातें कैसे हमने सिद्ध करी, वो हम आप बताएंगे आपको। जनरल बातें थी इसके बारे में, ये तीन बातें कैसे हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। देखिए जरा, ए हमेशा ओ पे डोमिनेंट रहता है, बी भी हमेशा ओ पे डोमिनेंट रहता है। कहने का मतलब ए के साथ ओ आए तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा, बी के साथ ओ आए तो भी क्या बनेगा, बी बनेगा। ओ कब बनेगा? ओ हमेशा, ब्लड ग्रुप ओ कब बनेगा? हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में बनेगा, होमोजाइगस कंडीशन में ओ हमेशा बनेगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनती है। अब बात करते हैं कि जी ये वाली बात है, डोमिनेंट रिसेसिव का क्या मतलब हुआ, कोडोमिनेंस का क्या मतलब हुआ, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इनको हम अब बताएंगे ब्लड ग्रुपिंग से कैसे ये शो करते हैं। देखो मल्टीपल एलील का तो मैं बता चुकी आपको, जीन आई है इसके 3 एलील है, आई ए आई बी और आई। ठीक है, आई ए ब्लड ग्रुप बना लेगा अपने जैसे मिलके बी और आई, और ये दोनों मिलके आई ए और आई। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब बात की
डोमिनेंट रिसेसिव कैसे। देखो हम एक कंडीशन लेके चलेंगे, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है, उसको हमने क्रॉस करवाया एक फीमेल से जिसका ब्लड ग्रुप क्या था बेटा, बी था। अब इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे लिखी है, हेटरोजाइगस कंडीशन इसको हम बोल देंगे। ये कैसी हो जाएगी, होमोजाइगस। अब इनके बना लो गैमेट, बना लिए, इसके बना लो गैमेट। अब इनको हम बेटा क्रॉस करवाएंगे तो देखिए जरा, इस एक क्रॉस से आपको लगभग सारी चीजों का पता लगेगा। देखो पहले देखिए आप इन दोनों कंडीशन को, ए के साथ ओ आया तो मैंने कौन सा ब्लड ग्रुप बताया था, ए ओ पे डोमिनेंट, बी ओ पे डोमिनेंट, तो ये ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ये ब्लड ग्रुप बी बनेगा, ठीक है। सॉरी इसी तरीके से ये किसका एग्जांपल हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव का एग्जांपल हो गया। अब इधर आ जाइए, ये जब भी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी से क्रॉस करता है, ना ए बी को ओवरकम कर पाता ना बी ए को, तो किसका एग्जांपल बनता है, नया ब्लड ग्रुप बन जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंस का, और मल्टीपल एलील क्योंकि यहाँ पे तीन एलील होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, ये ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो को डोमिनेंस, डोमिनेंट रिसेसिवनेस और मल्टीपल एलिलिज्म तीनों को शो करता हो, तो आपने ये सारी बातें वहां पे बताकर आनी है। जीनोटाइप एक बार दोबारा समझ लो, देखिए जरा, आई ए और आई ए लिखू दो भी ब्लड ग्रुप ए है, आई ए और आई ओ लिखू दो भी ब्लड ग्रुप ए है, दो हो गए जीनोटाइप। ऐसे ही बी के, लेकिन ए बी में क्या होगा, आई और ए, आई और आई बी लिखा जाएगा, ओ में ये लिखा जाएगा, छह जीनोटाइप इस तरीके से हमारे फॉर्म होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।